आपने घर फाइल पढ़ ले जो वृक्ष पति है तो वो तो बाबा है, सारे वृक्ष का पति है, तो हीरा है, वैल्यू लेस नहीं है। हाँ, प्राण की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए रखा जाता है कि दूसरों की वैल्यू का पता चले। हाँ जी, सुप्रीम सोल उन आत्माओं में प्रवेश कर प्यासी हो जाता है क्या है? व्यापी नहीं हो जाता है। भाव ये है कि जो बच्चे बहुत ही स्नेही है, उसी स्नेही बच्चों में आखिरी जन्म में बुद्धि की ताकत, वाचा की ताकत भले न रहे, वाइब्रेशन की पावर भले न रहे, लेकिन स्नेह की अधिकता के कारण बाप दादा उनमें प्रवेश करके सेवा करते हैं, दृष्टि की सेवा देते हैं, वाचा की सेवा देते हैं और वाइब्रेशन की सेवा देते हैं। बाकी कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर प्रवेश है, वो पता नहीं चलता है। अरे आत्मा में कौन से संस्कार? हाँ, इसमें ऊंचा कौन है? बुद्धि, बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। गुरु जिनके अंधे होते हैं, जिन्हें तो जरा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो अंधे को तो जरा भी दिखाई नहीं पड़ता और सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता। वो कथानक उठाया गया है महाभारत से। महाभारत में जो कौरवों का मुखिया है वो अंधा धृतराष्ट्र दिखाया गया है, उसको ज्ञान सूर्य भगवान भगवान नहीं दिखाई पड़ता, सामान्य मनुष्य देखने में आता है।
तो उन धृतराष्ट्रों को फॉलो करने वाली जितनी भी सेना है सारी कौरव सेना का सत्यानाश हो जाता है। अभी भी ऐसे ही है। बाप ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है, जो सोच रहे बच्चे हैं सोच रहे बाप की औलाद है, ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे हैं, उन्हें तो पक्का पक्का बाप दिखाई देता है। जिन्हें नहीं दिखाई देता है वो और पार्टियों में भ्रमित होते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहे ऐसे यहां भी धक्के खा रहे हैं। इसलिए कहावत बनी हुई है, गुरु जिन के अलले केला सत्यानाश। भाई बहन का हाँ जी इसमें रुद्रमाला में भाई बहन कौन है और उसमें यमराज किसका पार्ट है? यम कौन है और यमी कौन है? जो पहले दो मणके हैं उनमें एक का पार्ट है धर्मराज, युधिष्ठिर के रूप में गाया हुआ है, और दूसरा मणका रुद्रमाला का मणका तो है, पुरुष वृत्ति का तो है, लेकिन चोला शरीर चोला जो है वो स्त्री चोला है, इसलिए यम द्वितीय गायी हुई है। दीपावली जब होती है ज्ञान के दीपक जग जाते हैं तो पहले पहले यमराज का दीपक जलता है और दूसरा नंबर यमी का आता है, इसलिए वो स्मृति का तिलक लगाया जाता है। एक दूसरे की स्थिति का पता चल जाता है और क्या नहीं दिखाई गई गंगा में गंगा में प्रेरणा नहीं है? प्रेरणा अगर गंगा में नहीं है तो बड़े बड़े विद्वान आचार्य और उत्तर भारत के जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो जगेंगे कैसे? चैतन्यता अगर गंगा में नहीं है तो कौन सी दूसरी नदी है जो चैतन्यता लाने वाली हो? गंगा का तो बहुत गायन है, कुछ ऐसा पार्ट बजाया है तब तो गायन है, प्रेरणादायक भी है, चेतना देने वाली भी है, उमंग उत्साह भी भरने वाली है। गंगा जब निकलती है तो उत्तर भारत के कुंभकर्ण जागते हैं, तो उमंग उत्साह आता है तब तो जागते हैं। और
आदि। याद तो बुद्ध ही होती है, लेकिन अंदर से अगर याद की स्थिति पक्की है तो चेहरे से ही दिखाई पड़ता है, खुशनुमाइश से दिखाई पड़ेगी। और जो प्रसन्न चित्त रहता है उसका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं, सेवा भी प्रत्यक्ष हो जाती है। वाचा की सेवा हो, कर्मणा की सेवा हो, प्रत्यक्ष हो जाएगी। धारणा का सब्जेक्ट है वो भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान घमंडियों को तो बड़ा अहंकार भी चढ़ जाता है जिससे प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन याद एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर असली रूप में किया जाए तो कोई को पता ही नहीं चलता है कि चीज याद की स्टेज कैसी है, सिर्फ चेहरे से पता चलता है। राजा ने पुत्र माता जी कुछ बोल रहे हैं, इनको बोल लेने दो। चार बच्चे राजा तो पूछे नहीं थे, वो तो बचन बच्चे बच्चन बच्चे सत्यवती का गंगा से क्या कनेक्शन आपने जोड़ दिया? अच्छा नाम याद नहीं रहा। अच्छा अभी एक बार फिर महाभारत देख लेना फिर पूछ लेना। हाँ बोलो। अरे पहले पूरी बात सही सही बताओ तो, शांतनु को सत्यवती बताओगी तो सारा उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ जी हाँ जी गुप्त है इन कामी तो माने गुप्त, दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि पांडव गवर्नमेंट क्या चीज है और इनका पंडा कौन है। इन कामी तो माने गुप्त। हाँ जी तेसठ जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं तो यहाँ संगम युग में भी अनवेलापन आता है। वहाँ तेसठ जन्मों में अपनी राजाई में जो अलर्ट रहे हैं उनको यहाँ भी अलबेलापन नहीं आएगा, याद में नींद नहीं आएगी। जो क्लास ज्ञान का चलता है, मुरली का चलता है, उसमें भी नींद नहीं आएगी। और सेवा के फील्ड में तो नींद आएगी ही नहीं, और ही उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। और सारा जीवन गंगा तट पे गया, उसने राम सीता लक्ष्मण जैसे आत्माओं को पार लगाया। हाँ जी उसने जो पार लगाया उसको पार लगाने में आधार कौन बना? केवट ने पार लगाने वाले को पार लगाया, ये तो आश्चर्य की बात हो गई। जो सारी दुनिया को पार लगाने वाला है उसको केवट किस आधार से पार लगाता है? उसके पास कोई आधार है? नवैया, नवैया पास किसकी?
मैंने कठबुद्धि थी वो कठबुद्धि न भैया राम को पार लगाती है। अगर वो निमित्त न बने तो इतना बड़ा एडवांस का ब्राह्मण परिवार इकट्ठा भी नहीं होता। वो नवैया ही निमित्त बनती है। केवट अपनी कन्या रूपी नवैया को पार लगाने के लिए अर्पण करता है तो पार लगाने के लिए निमित्त बन जाती है। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में कन्यादान को सबसे ऊंचा माना जाता है। धनदान इतना ऊंचा नहीं है। तन अर्पण करना भी उतना ऊंचा नहीं है क्योंकि तन अपवित्र भी होता है। लेकिन कन्या तो पवित्र होती है। और वो पवित्र कन्या पार लगाने के निमित्त बन जाती है। लेकिन साथ की है न भैया बाप की पहचान में थोड़ी कठ बुद्धि बन जाती है। और मिनी मिनी मुंबई मिनी मुंबई बम्बई माने बम्बई में बम फट रहे हैं तो इंदौर में भी फटने चाहिए। इंदौर की तो ये विशेषता बताई है कि वो आउट ऑफ द डोर नहीं होते, इंदौर रहते हैं, डोर के अंदर रहने वाले हैं, इसलिए इंदौर है। वो बाहर निकलते हैं उन पर संग का रंग जास्ती लगता है और जो बाहर निकलते ही नहीं उन पर दुनिया के संग का रंग खराब नहीं लग सकता। ये विशेषता इंदौर की बताइए। और जरा लंबी रामायण लिख सकते भक्ति करके आई थी तब मेरी अमृत लेना अच्छी होती। अच्छा और अब है ना नींद आ रही मेरे को। अभी भक्ति करने गई तो नींद आई? नहीं अभी आती है। भक्ति करने के बाद जब लौटी तो अब नींद आने लगी? अभी अभी आ रही है, जब नहीं आ रही थी। अच्छा पहले नहीं आई थी। अच्छा तो जब जो आत्मा परम धाम से उतरती है पहली बार तो सतु प्रधान होती है या तमो प्रधान होती है? सतु प्रधान होती है तो सुख ज्यादा मिलता है, अवस्था ज्यादा अच्छी रहती है, उमंग उत्साह रहता है। ऐसे ही यहाँ शूटिंग हो रही है 5,000 साल के ड्रामा की। आप जब पहली बार ज्ञान में उतरे तो उस समय आपकी सतो प्रधान निश्चय थी, पहला पहला जब निश्चय हुआ। अभी दूसरी बार जब गए तो अवस्था तो बहुत नीचे उतर चुकी थी। एक बार जो ऊपर से नीचे गिर जाता है पुरुषार्थ की स्टेज में या पांचवी बार से नीचे आ जाता है वो भले दोबारा उठता है तो भी अवस्था में बहुत फर्क आ जाता है।
और नदी आए तो भी हर आत्मा की इसके चार अवस्थाओं के पसार जरूर होनी है। ततो प्रधान ततो सामान्य रजो और तमो। हाँ ये है, कोई सिद्ध पुरुषार्थी होते हैं तो तमो प्रधानता का कम अनुभव करते हैं, और जो ढीले पुरुषार्थी होते हैं गलतियां करते रहते हैं, अलबेलापन जलता रहता है तो तमो प्रधानता ज्यादा अनुभव होती है। पापों का बोझ जब ज्यादा बढ़ जाता है तो संगठित याद में भी नींद आती है। पर अभी दो दिन से भी आ रही, मैंने बोला अब मैं कोशिश करूंगी मतलब तो करने का। अगर आपने हिम्मत की तो नहीं आ रही, ऐसे ही हिम्मत करते रहो। और पापों की जो गति है या पुण्य की जो गति है वो पाप करने की तीव्रता के ऊपर आधारित है। कोई भी पाप कर्म या पुण्य कर्म जितनी तीव्रता से किया जाता है उतना उसका फल जल्दी मिल जाता है। कोई कोई पाप कर्म इतने तीव्रता से किए जाते हैं कि उसी जन्म में फल देने लगते हैं। कोई पाप कर्म इतनी धीमी गति से किए जाते हैं कि जो अंतिम 63वां जन्म है वहां जाकर के उसका फल इकट्ठा हो जाता है। और अभी तो 63वें जन्म में सब के 63 जन्मों के पाप कर्म सारे अंतिम जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं, और उसमें भी जब बाप की पहचान हो जाती है, ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान मिलने के बाद अगर कोई पाप कर्म करता है तो 100 गुना दंड भोगना पड़े। 63 जन्मों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस ब्राह्मण जन्म में फायदा भी कई गुना है तो नुकसान भी कई गुना है। अगर सीमत पर चलते रहे तो अवस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। जितने जितने ज्यादा दिन आएंगे उतना उतना पुरुषार्थ और ही तीव्र होता जाएगा। लेकिन जब श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाए जाते हैं तो 100 गुना पाप करने के कारण पापों की गति बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। इतनी बढ़ती है कि बाप के सामने बैठ करके भी नींद आती है, याद में भी नींद आती है, संगठन के वाइब्रेशन का भी कोई असर नहीं होता और मुरली में भी नींद आती है। बाहर जाएंगे भले चंगे रहेंगे, क्लास में नींद आई। बाबा पेट में हर तलाक रुपया घर में ले तो वो फायदेमंद होता या नहीं? बाबा की याद में रहो तो सब हर कर्म फायदेमंद है। बाबा जैसा कोई मतलब तांत्रिक विद्या वालों से निकलवाता है वो? तांत्रिक विद्या वाले तो भूत प्रेत वाली आत्माएं होती है, हम तो भूतनाथ के बच्चे हैं। हमें अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए ना कि हम कितने पावरफुल हैं। बाबा जो काम कर तुम्हें मिले बहुत ज्यादा सही रहता ना, फल चाहते याद में रह के काम करो।
उसके पेड़ में घाव है और उसके ऊपर एक राजा सवार है। वहाँ के लोग कहते हैं कि वह घाव अपने आप ठीक हो जाता है और उसके हाथ से तलवार शिव ने दी है और शिव ने दी है तो वह राजा बन जाए। होली का पॉइंट एक भी नहीं याद रहता है। अच्छा मैंने पूछा भी माता जी पूछा। दादी अम्मा कांटी अम्मा की कथा कहानियां कहां से निकालती है? हाँ जी महाभारत में क्या नहीं दिखाया? महाभारत में विराट रूप में ज्योति नहीं दिखाई, ज्योति विराट रूप में जो ब्राह्मणों की ज्योति नहीं दिखाई गई है उसकी शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता पहला क्षत्रिय पहला वैश्य पहला शूद्र बनता है उस आत्मा को उड़ा दिया गया, उसकी यादगारी ही गुम कर दी गई, लाख भी गुम कर दी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो विराट रूप दिखाते हैं उसमें चोटी नहीं दिखाई है ब्राह्मणों को। पर अपने की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना है? याद करना है। इतना याद करेंगे बाप का जो मुख्य गुण है, बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, बुद्धि तीखी होगी तो निर्णय शक्ति और परख शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। शिव बाबा ने जगदम्बा की रचना में अपनी सारी एड़ी चोटी की ताकत क्यों लगा दी? मेरे क्यों नहीं लगाई? किंतु जगदम्बा ने वो हिम्मत की जो पहले पहले किसी ने नहीं की, जिसके लिए अभ्यक्त बाप दादा ने बोला है कि 83 में 13 होना चाहिए ना, इतनी ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हुई संत राय सी तक, 13 अर्थात तो बाप का कोई बनी ही नहीं, बनी या नहीं बनी है? क्यों नहीं बनी है? देर की जाए ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हो चुकी थी? नहीं, उन्होंने बाप को पहचान करके सरेंडर नहीं हुई, बाप को नहीं जाना, ब्रह्मा के ऊपर अर्पण हुई या दीदी दादियों को देख करके अर्पण हुई, लेकिन बाप का जो पार्ट 76 से शुरू हुआ उसमें पहली पहली ब्रह्मा कुमारी जो निकली उसको देख करके एडवांस पार्टी की सभी ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हुई। इसलिए वो सारी जगत की अम्बा है और जगत पिता जगदम्बा को शक्ति नहीं देगा तो किसको शक्ति देगा? परिवार में मुख्य कौन होता है? माँ और बाप। तो बाप पहले पहले तो पहली रचना को शक्तिशाली बनाएगा। अब कहां तक शक्तिशाली बनती है वो अपने पुरुषार्थ की बात है। बाबा
जैसे बाबा किसी का नाम यानी कागज से लिखकर नहीं बनाई, बाबा किसी का नाम कागज से लिखकर क्लियर नहीं करेंगे। बाबा किसी के पार्ट को कागज पर लिख करके डिक्लेयर नहीं करेंगे, बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे। मंजरी के बारे में आया, किसके बारे में? मंजरी बहन योगिनी, मंजरी योगिनी के बारे में जो आया ये नाम तो कहीं नहीं आया। मंजरी 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 तो आम की जो बौर होता है उसके लिए मंजरी बताया। आम का जो बौर होता है ना, पहला पहला फूल, उस फूल को मंजरी कहा जाता है। फलों में सबसे बड़ा फल माना जाता है आम, फलों का राजा माना जाता है। दुनिया में जितने भी फल हैं, उन फलों में सबसे जास्ती कीमती फल आम है, और भारत का आम विदेशों में भी जाता है। उस आम का जो पहला पहला फूल है, फूल के बाद ही तो फल आता है, तो जो पहला पहला फूल है उसका नाम पड़ता है मंजरी। वो आधार है, लेकिन बाबा का घोष में भी बताने जाने का है नहीं। फिर उसके बाद में जो मंजरी है, उनको पकड़ो। उनको तुम किसी बहन का नाम क्यों बताते हो? बाबा ने तो मना किया है कि बाप दादा नहीं बता रहे, तुम बाप दादा से भी बढ़कर हो गए क्या? बाबा में कृषि के द्वारा जैसे नदी की स्थापना होती है, तो बता देंगे कि सबसे पहले पहले हर धर्म का तो दबाव होता है, लेकिन क्राइस्ट को फांसी पे चढ़ाया, किस धर्म की आत्माओं ने किस कारण जिसको फांसी पर चढ़ाया गया और जिसको फांसी का दुख हुआ, वो दुख प्राप्त करने वाली आत्मा तमोप्रधान थी या प्रवेश करने वाली आत्मा तमोप्रधान थी? है? प्रवेश करने वाली आत्मा तमोप्रधान थी, और जिसमें प्रवेश किया, जिसको फांसी पर चढ़ाया गया, वो आत्मा तमोप्रधान थी, ज्यादा जन्म लेने वाली। क्राइस्ट ने तो पहला जन्म लिया था, उसको जब फांसी लगाई जाती है तो निकल जाती है। जो शरीरधारी है वो रह जाता है, उसको फांसी का दुख झेलना पड़ता है। इसलिए जो तामसी वृत्ति है वो उस आत्मा को भोगनी पड़ती है जो सचिव से ही जन्म लेती चली आ रही है। और सात नारायण पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष होना माने जन्म होना, बाद में आठवां नंबर कृष्ण का जन्म अर्थात प्रत्यक्षता होती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी गई हुई है। कंस ने नहीं मारा, कंस को मारा, कंस को मारा कृष्ण ने। कंस को इसलिए मारा कि कंस जो था वो पवित्र कन्याओं को भी पोष देता था, उनका जीवन बर्बाद कर देता था, विकारी प्रवृत्तियों की तरफ बुद्धि चली जाती थी, भगवान बाप को पहचानने से वो वंचित रह जाती थी। ऐसी ढेर ब्रह्मा कुमारियां पड़ी हुई है वैदिक में जो भगवान बाप को पहचानने से वंचित हो गई। कंस ने उसको कोस लिया, इसलिए कृष्ण कंस को मारता है। अत्याचारी कंस की दुनिया
खलास हो जाती है। बलात्कारी को कंस कहा जाता है। पूर्व जन्मों में उस आत्मा को विशेष कष्ट दिया होगा, जो पाप आत्मा तो है ही, वो पाप आत्मा इस जन्म में आकर के शरीर छोड़ने के बाद भी अपना हिसाब किताब पूरा करती है। बाबा हाँ जी, रामायण में जो कही है कि धोए दौर से पति नारी कार है, इसको बेहद भी क्या हमेशा ये बात लागू नहीं होती है, और ये बात किसी मनुष्य ने लिखी है या भगवान ने कही है? मनुष्य ने कही। मनुष्यों की बात आज ही सच्ची होती है और आज ही झूठी होती है। ढोल माने जानवर, ये तो ठीक बात है कि जो जानवर बुद्धि होते हैं वो कहने से नहीं मानते, उनसे प्यार से कोई बात कही जाए तो जानवर प्यार की भाषा समझेगा क्या? नहीं समझेगा। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो बाबा के प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं। तो धर्मराज के डंडे उनको समझाते हैं, तारना होती है, तारना माने पिटाई। ढोल गंवा बिना पढ़े लिखे, शूद्र जो विचारी होते हैं, कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन माँ है, कौन भांजी है, इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे विचारी शूद्र, उनकी बुद्धि विचारी हो जाती है, बोल रहे प्योर परमात्मा बाप की वाणी को नहीं समझ सकते, उनको शूद्र कहा जाता है। पशु हिंसक प्राणी, इनके लिए पशुपति नाथ दिया है। और नारी का नाम भी ले दिया। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, और 500 साल पहले नारी का मर्तबा बहुत नीचे गिर चुका था। नारियों को गिराने वाले भी पुरुष हैं, उनको ये याद ही नहीं रहा कि नारी का मान मर्तबा बढ़ाने वाला भगवान है। जो पुरुष होते हैं कलयुग और द्वापर में, वो तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। नारी का मर्तबा बजाय बढ़ाने के और ही उनको मुट्ठी में करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए ये शब्द उन्होंने गलत लगा दिया। नारी ताड़ना की अधिकारी नहीं है,
नारी में जितना स्नेह और प्यार भरा होता है, उतना स्नेह और प्यार पुरुषों में नहीं हो सकता। अगर होता तो बच्चों की पालना करते, बच्चे पैदा होते हैं, नारी ही उनकी पालना में सक्षम है। जो सहन शक्ति नारी में होती है वो पुरुष में कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये वाक्य, ये शब्द जो ऐड किया है, वो पुरुष तुलसीदास ने ऐड कर दिया। उनकी सारी चौपाई सच्ची नहीं कही जा सकती। भगवान तो आकर के नारियों के द्वारा ही स्वर्ग बनाता है, पुरुषों को तो कंडम कर दिया। दुर्योधन दुशासन सीधा बताई दिया, ये नहीं स्वर्ग का द्वार खोल सकते। कन्या माताओं में वो इसलिए फिर भी भरा हुआ है, वो त्याग तपस्या और सहनशीलता के आधार पर स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है। मार्शल लॉ बाहर की दुनिया में जब मार्शल लॉ लगेगा, मिलिट्री शासन होगा, उस समय ब्राह्मणों की दुनिया में भी, खास भारत में मार्शल लॉ लागू होगा। कीमत के खिलाफ कोई भी कदम उठाया और अनित्य बुद्धि मरणसी बन पड़ेंगे। अभी तो 70 साल से भी ऊपर हो गए, कीमत के खिलाफ चलते ही रहते हैं और बाप के प्यार के भागीदार भी बने हुए हैं। सदगुरु का पाठ होगा, वो एक प्रकार से मार्शल ला है। इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर को बताया है, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को इनएनसी की बैठक में बताया। नम्रता के रूप में बैठा हुआ है, माँ के रूप में। विष्णु में भी वही है, लेकिन शंकर का रूप स्थित बैठा हुआ दिखाया गया है। वो उनकी अंतिम स्टेज की यादगार है, जो त्रिमूर्ति चित्र में दिखाई गई है। बाबा, हम 2 साल बेसिक में ज्ञान सुनने गए, ज्ञान सुनने गए तो इसका संतुष्टि क्यों नहीं हुई जितना सुनते थे? और यहाँ भी ऐसे बहुत हैं जिनको संतुष्टि नहीं हुई और विष्णु पार्टियों में चले गए। उनके लिए क्या कहेंगे? और अभी फाइनल पेपर होंगे तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, इसका कारण क्या होगा? अभी तो फाइनल पेपर होंगे, फाइनल पेपर में पता लगेगा कि कौन कौन पास विदानर होने वाले हैं, कौन कौन फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं, कौन कौन सेकंड क्लास, 1008 ब्रह्मा की भुजाओं में जाने वाले हैं, और कौन कौन थर्ड क्लास पास होने वाले हैं।
16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं। मरा पड़ेगा तभी तो पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। बाबा कृष्ण को रुपला ने पूछना जाती है, जहरीला रुपला ने पूछना जाती है, हाँ। तो कृष्ण को बच जाती पूछने वाल जाती है, हाँ। हंस की बात है बाबा को प्रेर, वो ज्ञान जो सुनाती थी ना उसकी आदत पड़ी हुई थी, एक तरफ व्यभिचारी बनती जाती थी और पुरुषों के साथ संग का रंग लगा करके बुद्धि भ्रष्ट करती जाती थी, दूसरी तरफ भगवान का ज्ञान भी सुनती थी। ज्ञान माने दूध, वो विषैला दूध जिन जिन बच्चों को पिलाती थी, ज्ञान में चलने वाले बच्चों को, हम चक्कर की बात है, वो मरते चले जाते। कृष्ण ने ऐसा रूप धारण किया कि दूध सारा पी लिया, है तो वो कृष्ण ही, चाहे शंकर कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे शिव बाबा कहो, विष पीता कौन है, वो तो एक ही विष पाई है, विष सारा पी लिया, उसका नाम मर गई, और कृष्ण का कुछ भी बिगड़ा नहीं। प्रैक्टिकल बातें हैं ये की जी। जब विनाश शुरू होना होगा तो फाइनल पेपर भी होगा। अभी मेनू में दोनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी तो बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी आना होगा या देर से आना होगा। अभी ही 15 मिनट हो गए, 5-7 और बढ़ने वाले हैं, तो चक्कर लगाने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ तो पास में मिनी मोटर बनाए दिए, तो नंबर वार ही आना होगा ना, और पास होते हुए भी फायदा ही है, भोपाल में आना होगा तो भी सीहोर और इंदौर वाले पहुंच जाएंगे, और इंदौर में आना होगा तो भी भोपाल वाले और सीहोर वाले इंदौर पहुंच जाएंगे। हाँ, 3 जगह आपको तो 3 गुना फायदा होने वाला है। और रामायण में कुंभकर्ण कितना फायदा करता, कुंभकर्ण सन्यासियों को कहा गया है, और सन्यासियों के लिए मुरली में बात बोली गई है कि सन्यासियों के सामने खाने का भोजन जो थाली में रखा जाता है वो तो सारी थाली चाट के रख देते हैं, उसका नाम रखा है थाली। एक होता है स्थूल भोजन और एक होता है बेहद का भोजन, थाली में भोजन रखा जाता है ना भोग करने के लिए,
तो वो ऐसे बिपहले होते हैं भूखर कि थाली सामने आती है तो सारी चाट जाते हैं, एक बूंद भी उसमें पवित्रता का नहीं रहने देते। इसलिए उसका नाम रखा गया थाहली। क्या ली? थाह। और बतराने किसी के लिए घाता भी शब्द का उपयोग किया है जबकि बलराम के लिए नहीं किया। भाई का जो प्यार है वो प्यार अनुभूति कराता है, उसका नाम ही है सुभद्रा। तो माने सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी। उसकी कल्याण की भावना सुंदरता से भरी पूरी है। बलराम तो पक्ष लेता है दुर्योधन का, अब कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेता है? नहीं लेता। तो फिर जो सुंदर सौंदर्य रूप में कल्याण की भावना वाली है वो किसका पक्ष लेगी? कृष्ण का ही पक्ष लेगी। और बाबा फिर तुमको पानी में मछली के पेड़ में डाले है, फिर तुमको मछली के पेड़ दोगो महाभारत में मछली के पेड़ बताया। यहाँ ज्ञान में चलने वाली ढेर सारी मछलियाँ हैं, मछलियों में बदबू आती रहती है और ज्ञान जल में डूबी भी रहती है। क्या घरगस्ती की कीचड़ में नहीं रहती, रहती है ज्ञान सरोवर में, मिनी मधुवनों में, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान सुबह से शाम तक चलता है, लेकिन फिर भी उनमें बदबू आती है व्यभिचार की। ये मनोबुद्धि के पुरुषार्थ की बात है, ये उनको मछली कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मछलियां कहाँ होती हैं? है सागर में। पुरुषार्थ तेज होगा तो मनन चिंतन मंथन क्यों नहीं चलेगा? पुरुषार्थ में आती है बातें चार चार सब्जेक्ट की, याद याद में जिसकी बीज रूप स्टेज बनेगी वो इसी में पुरुषार्थ ही, और जितना ही बीज रूप में स्थिर होगा उतना उसका विस्तार स्वरूप स्वतः ही हो जाएगा। जैसे बरगद का बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, तो जितना बीज रूप स्टेज में टिकने वाला होगा, निसंकल्प बनने वाला होगा, उतना बुद्धि विस्तार में आठों में टिक जाएगी। विस्तार में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जाना बड़ी बात नहीं है, सार में टिकने का पुरुषार्थ बड़ी बात है। और ज्ञान सुनना और सुनाना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को जीवन में अपने में धारण करना बड़ी बात है। देव गुणों की धारणा करना ये बड़ी बात है, और सेवा करना बड़ी बात नहीं है, इसको बंद नहीं कर सकते आप लापी जोड़े से। सेवा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा का रिजल्ट निकालना बड़ी बात है। बाबा बस देखो देखो।
जब अपने इच्छा पत्रों को नहीं बन पाती तो कृष्ण से अपने इच्छा पत्रों को बुलवा दी, इच्छा पत्रों को बुलवा दी, मुझे कल पता उन सात नारायण, सात नारायण जो है जब विनाश होगा तो वो सात नारायणों वाली आत्माएं आखिरी विनाश में जीवित रहेंगी या खलास हो जाएंगे? खलास हो जाएंगे। कंस उनको कोस लेता है, पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाती, इसलिए सात नारायणों के जन्म कम होते जाते हैं। और जिनके जन्म ही कम हो जाते हैं वो कमजोर आत्माएं कमजोर पुरुषार्थ के कारण द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती जाती है। इसलिए कृष्ण और उन सात बच्चों में अंतर पड़ जाता है। यज्ञ में अभी क्या हुआ? दक्ष प्रजापति का टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा। जो भी यज्ञ का कारोबार चल रहा है उसमें सबको निमंत्रण दिया गया और किसको निकाल के बाहर कर दिया है? जो प्रजापिता का पद धारण करता है शास्त्रों में उसे प्रजापति कहा गया है, उसने शंकर को निकाल के बाहर कर दिया, उसको यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया। जब कोई स्थान नहीं दिया तो पार्वती ने उस ज्ञान यज्ञ में अपने देह अभिमान को स्वाहा कर दिया। स्वाहा करने वाली है वही लक्ष्मी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होती है। यज्ञ विध्वंस कौन करता है? कार्य यज्ञ को विध्वंस कौन करता है? अरे कहते हैं रुद्रगणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। रुद्रगणों में मुख्य यज्ञ मुख्य रुद्र कौन है? जो भी रुद्र हैं उन रुद्रों का मुखिया कौन है? शंकर। वही महावीर का पाठ कहो चाहे वीरभद्र कहो, उन्होंने अपनी जटा को उखाड़ के फेंक दिया। वास्तव में तो ज्ञानी की जटा है, वो ज्ञानी की जटा शंकर की है या शिव की है? किसकी है? शंकर की है। शंकर में ज्ञान होता है? शंकर में ज्ञान होता है या शिव में ज्ञान होता है? शिव में ज्ञान होता है। करो करो है, जब तक जान में जान रहे तब तक करते रहो। गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर क्यों बनी? पत्थर बनी या पत्थर बुद्धि बनी?
पत्थर बुद्धि बन गई। गौतम किसको को कहा जाता है? गौ माने इंद्रिया, तम माने श्रेष्ठतम, माने इंद्रियों से जिसने सबसे ज्यादा सुख भोगा। कौन सा धर्म है जो इंद्रियों से सबसे जास्ती सुख भोगता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का मुखिया कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम की आत्मा तो ऊपर से आती है, पवित्र आत्मा आती है। वो तो संगम युग की बात नहीं है, वो संगम युग में आकर के बाप से पढ़ाई नहीं पड़ती। और गौतम अहिल्या का जो आख्यान है वो संगम युग की बात है या द्वापर की बात है? कहाँ की बात है? संगम की बात है। माने संगम युग में इस्लाम धर्म का जो नारायण है जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, अथवा उसका जो भी बीज है वो इंद्रियों से सर्वोत्तम ज्यादा सुख भोगने वाली आत्मा है। संगम युग में जब उसने देखा कि मेरी सहयोगिनी ऐसा व्यभिचार में लिप्त हो गई तो उसे श्राप मिल गया, पत्थर बुद्धि बन गई। जो भी पत्थर बुद्धि या कठ बुद्धि बनते हैं उनकी बुद्धि में बाप की पहचान होती है? नहीं होती। बेसिक नॉलेज में भी कोई नारायण वाली आत्मा रही होगी जो सतयुग में जाकर के दूसरा जन्म लेगी, सतयुग के कृष्ण पर नारायण का बार बार बच्चा बनेगी, कौन सी आत्मा होगी? यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में भाइयों में सबसे जास्ती महत्व किस भाई को दिया? बिष्किशोर भाई को। उन सबसे ज्यादा सेवा में लिप्त भी रहता था। तो बाजार कौन हुआ ब्रह्मा बाबा की नजर में? शूटिंग किसकी हुई? बिष्किशोर भाई की। और कन्या माताओं में सबसे जास्ती मान मर्तबा किसको मिलता था? कुमार पता नहीं। तो वो जोड़ी हो गई सचिव के दूसरे जन्म की। दूसरी गद्दी के लक्ष्मी नारायण हो गए। वो जब द्वापर में जाएंगे जन्म लेते लेते तो इब्राहिम उनमें प्रवेश करता है, उनको गौतम कहा जाता है। संगम युग में भी उनका नाम गौतम पड़ा है। गलती को पकड़ा गया तो श्राप दे दिया, पत्थर बुद्धि बन जाओ, तुम्हारी बुद्धि में बाप का पहचान लेख मात्र भी नहीं बैठ सकती, न खुद पहचानेगी न दूसरों को पहचानने देगी। और जो भी धर्म की आत्माएं हों वो सभी आत्माएं अंत तक उतरती रहती है। कोई धर्म की आत्मा बीच में उतरना बंद नहीं करती। अभी भी सूर्यवंशी आत्माएं ऊपर से उतर रही है, चंद्रवंशी भी उतर रही है, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सब उतर रहे हैं।
उनका अर्थ कम करती है तो अंत नहीं करती, क्योंकि 33 करोड़ देवताएं ही है जिनमें 500-700 करोड़ मनुष्यों का प्रवेश होता है, मनुष्य आत्माओं का, तो किसमें प्रवेश करेंगे? उन्हीं में प्रवेश करना पड़े।